नमस्कार दोस्तों, स्वागत। मैं सुफलेश सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। आज हम लोग यूपी स्पेशल की जो है सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और यूपी स्पेशल में ये जो यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे, ये कोई यूपी का कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, उन सब में ये पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी का पुलिस का पेपर हो, लेखपाल हो, वीडियो हो, ठीक है, या जो आने वाला है क्या कहते हैं जेल वार्डन का है, सारे पेपरों में जो है यूपी स्पेशल पूछा जाएगा और अच्छे खासे नंबरों में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका पोर्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, सांस्कृतिक पोर्शन है। सांस्कृतिक पोर्शन में जो है मेलों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेला ये सांस्कृतिक पोर्शन है, सांस्कृतिक धरोहर है भारत की, उत्तर प्रदेश की। तो उसमें जो है मेले का एक जो है लेसन है, उन मेलों से हम लोग जो है पढ़ते हैं, आसान से ट्रिकों से पढ़ते हैं, बड़े आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला मेला है आपका कजरी मेला, ठीक है। कजरी मेला, कजरी मेला, कजरी मेला ये लगता है जो है, कजरी मेला आपका लगता है महोबा में, महोबा, ठीक है। कजरी मेला लगता है महोबा, याद कैसे रखेंगे, बिल्कुल आसान सी है। देखिए कजरी, कजरी से क्या याद रखेंगे, काजल, आंखों वाला काजल, ठीक है। आंखों वाला काजल कौन लगाता है, महबूबा लगाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से महबूबा याद रखेंगे, तो महोबा से महबूबा याद रखेंगे और कजरी से काजल याद रखेंगे, तो आसाम से याद हो जाएगा, महबूबा जी काजल लगाती हैं, तो महबूबा काजल बड़े आराम से याद हो गया, ठीक है ना। हम लोग चुटकियों में सब याद कर लेंगे। अगला मेला है देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला, ठीक है। देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर में, बलरामपुर, ठीक है। ये जो है अपना उत्तर उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, नेपाल का सटा हुआ, वहाँ पे बलरामपुर पड़ता है, गोरखपुर के आसपास। तो वहाँ पर जो है देवी पाटन मेला लगता है, याद कैसे रखेंगे, देखिए ट्रिक, ठीक है। देवी पाटन यानी कि कोई देवी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, उनको पाट दिया, देवी को पाट दिया, कौन पाटा, और जो पाटेगा वो भी बहुत बलशाली होगा, यानी कि वो भी बलराम होगा, यानी कि बल वाला होगा। कोई भी जो देवी, देवी का मतलब बहुत शक्तिशाली, और उनको भी जो पाठ देगा वो बहुत बलपूर्वक होगा, यानी कि बलराम होगा, ठीक है। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर, ठीक है। ये केवल टिके हैं, बस थोड़ा याद करने के लिए हैं, ठीक है, याद हो जाएगा बड़े आराम से। अगला जो मेला है श्रावणी, श्रावणी मेला है, मेला है ये लगता है संकिस्सा में, संकिस्सा ये है फरुखाबाद में, फरुखाबाद, ठीक है, ये है फरुखाबाद में, फरुखाबाद पड़ता है जो है जो बरेली है, रामपुर है, रामपुर के नीचे बरेली, बरेली के नीचे फरुखाबाद, ठीक है। तो फरुखाबाद, तो श्रावणी मेला, देखिए फरुखा जैसे नाम याद आए, दो तीन चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। फरुखा की बाद की थी महादेवी वर्मा, बहुत उम्दा लेखक की थी फरुखाबाद की, ठीक है। तो वहाँ से फरुखाबाद जैसी याद आया करे, महादेवी वर्मा याद किया करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये याद करिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो आलू होता है फरुखाबाद में होता है, दो चीज़ें फरुखाबाद से बिल्कुल याद हो जाए। अब देखिए इसको जो है रिलेट करते हैं, श्रावणी, श्रावणी का मतलब हो गया सुनना, श्रावणी का मतलब हो गया कानों से सुनना। तो कानों से हम लोग क्या सुनते हैं, कानों से हम लोग कहानियाँ वगैरह सुनते हैं, किस्सा कहानी सुनते हैं, गांवों में कहानियों को किस्सा कहा जाता है, किस्सा कहानी, ठीक है, गांवों में कहानियों को किस्सा कहा जाता है। तो किस्सा याद रखिएगा, तो सुनते हैं क्या, किस्सा, किससे सुनते हैं, किस्सा को क्या किया जाता है, सुना जाता है, किस्सा कहानियों को सुना जाता है। तो आसानी से ये जो है याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है देव छठ मेला, देव छठ, देव छठ मेला, ठीक है। देव छठ मेला ये लगता है दाऊजी में, दाऊजी, और दाऊजी कहाँ है, मेरठ, मथुरा में है, मथुरा,
ठीक है। तो देव, देव देव का मतलब कोई भगवान, ठीक है। देव से मतलब समझेंगे भगवान। भगवान कौन थे? दाऊ जी थे। दाऊ जी कौन थे? जो श्री कृष्ण थे उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था दाऊ जी, उनको दाऊ जी पुकारते थे। तो देव छठ मेला जो लगता है वो दाऊ जी में लगता है, उन्हीं के नाम पर, क्योंकि श्री कृष्ण कहाँ के थे? मथुरा के थे। श्री कृष्ण मथुरा के थे, तो मथुरा में ही दाऊ जी में, छोटा सा स्थान है मथुरा में, तो मथुरा में ही दाऊ जी में जो है देव छठ मेला लगता है। बड़े आराम से याद रखेंगे, देव, देव से दाऊ जी, और दाऊ जी से जो है दाऊ जी कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है, ठीक है, मथुरा में लगता है, ठीक है। अगला है नकटैया मेला। नकटैया मेला, ठीक है, नकटैया मेला, ये कहाँ पे लगता है? चेतगंज, चेतगंज, यह बनारस में, बनारस, वाराणसी, ठीक है, यहाँ पर है ये, ठीक है, नकटैया मेला, चेतगन, बनारस, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? बिल्कुल आसान है। नकटैया यानी कि नाक कट गई, ठीक है, नाक कट गई, जैसे सूर्पणखा की कटी थी वैसे नाक कट गई, ठीक है, जैसे किसी के नाक कट गई, तो वही कहा गया है कि नाक कट गई, चेतोगे नहीं तो यही होगा, चेतगन, यानी कि चेत जाओ, यानी कि जाग जाओ, अगर जागोगे नहीं, चेतोगे नहीं तो नाक कट जाएगी, जागोगे नहीं तो नाक कट जाएगी, ठीक है। और बार, वारा से हो गया, बार बार कटेगी, ठीक है, अगर चेत नहीं गए, नौकरी नहीं मिलेगी तो बार बार नाक कट गई, अगर ये पेपर नहीं निकला तो नाक कट जाएगी, ठीक है। तो चेत जाओ, अभी से पढ़ने लिखने लगो, चेत जाओ नहीं तो नाक जो है कट जाएगी, ठीक है, चेत जाओ नहीं तो नाक कट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें याद हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से ये हमें याद हो जाएगा। शाकंभरी, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, सहारनपुर में लगता है, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। रिलेट करते हैं, शाकंभरी देवी, ये कोई देवी है, माता जी जो है, माता जी हैं ये, ठीक है, शाकंभरी देवी का मेला लगता है, माता जी का मेला लगता है सहारनपुर में, ठीक है। रिलेट कैसे करेंगे? यदि देवी जी का यानी कि शाकंभरी देवी का सहारा मिल गया होता, ठीक है, सहारा मिल गया होता तो नौकरी लग जाती, यानी कि उनका आशीर्वाद होता, यानी कि उनका सहारा होता तो नौकरी मिल जाती। अब तो उन्हीं का सहारा है, अगर नहीं मिली तो उन्हीं का सहारा है, ठीक है। तो शाकंभरी देवी का सहारा मिल जाता तो नौकरी हमें मिल जाती, ठीक है। अगला है झूला मेला, झूला मेला, ठीक है। तो झूला मेला दो जगह मनाया जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे? ये एक अयोध्या में मनाया जाता है, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या, और दूसरा मथुरा में झूला मेला। झूला मेला क्यों मनाया जाता है? जब भगवान पैदा हुए थे तो उस समय उनको झुलाया गया था, ठीक है, तो उसी समय से झूला मेला लगने लगा, ठीक है। तो ये कब कब लगता है? अयोध्या में लगता है, अयोध्या में श्री राम पैदा हुए थे तो उनके होने से झूला में उनको झुलाया गया था, तब से अयोध्या में लगता है, जो कि ये दशहरे में लगता है उनके यानी के बर्थडे पर, ठीक है। और मथुरा में लगता है श्री कृष्ण जी के बर्थडे पर, वो मथुरा में लगता है, वो उत्पन्न हुए थे मथुरा में, ठीक है, उनकी जन्म स्थली मथुरा में है। तो मथुरा में, अयोध्या में, दो जगह भगवान उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनको झूले में झुलाया गया था, तब से जाके मेला लगता है। मथुरा वाला लगता है जन्माष्टमी में लगता है, और ये रामनवमी में लगता है, आसान है, ठीक है। फिर अगला है गोला, गोकर्ण, गोकर्ण नाथ मेला, गोला गोकर्ण नाथ मेला, ये लगती है खीरी में, ठीक है, खीरी, लखीमपुर खीरी जो है अपने, जो है क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जो अपना जनपद है, सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी, ठीक है, तो वहीं पर लगता है, ठीक है। तो याद रखेंगे खीरा, खीरा कैसा होता है? खीरा तो भाई गोल गोल होता है, खीरा देखे होंगे ना, ककड़ी खीरा, खीरा, ठीक है, ककड़ी खीरा, खीरा जो होता है ये गोल गोल होता है, ठीक है ना, खीरा, तो वही याद रखेंगे, खीरा कैसा होता है? गोलाकार होता है, यानी कि गोल गोल होता है, बेलनाकार होता है, गोकरण, तो गोला गोकरण, जैसे गोला आ जाए तो खीरा याद रखिएगा, गोला आ जाए खीरा याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये
याद रहेगा। खारी झल्लू मेला, खारी झल्लू मेला, ठीक है, खारी झल्लू मेला ये कहाँ लगता है? ये बिजनौर में लगता है, बिजनौर, ठीक है, ये बिजनौर में लगता है। खारी झल्लू मेला कहाँ लगता है? बिजनौर में लगता है, ठीक है ना। तो खारी से फिर खीरा याद रखिएगा। खीरा कैसे पैदा होता है? अजी खीरे का तो बीज बोया जाता है, ठीक है, बीज से खीरा कैसे पैदा होता है? बीज बोया जाता है, तो खीरे का जो है बीज बोया जाता है, बीज बो के जो है खीरा जो है पैदा होता है। अगला है ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर। अब ये शाहजहांपुर कहाँ है? जी यही तो है, लखनऊ, लखनऊ के बाद हरदोई, हरदोई के बाद शाहजहांपुर, ठीक है ना। तो लखनऊ के बगल हरदोई, हरदोई के बगल शाहजहांपुर। तो ढाई घाट मेला ये कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में। याद कैसे रखेंगे कि जब भी शाहजहां का नाम आता है, जब भी आप शाहजहां का नाम सुनते हो तो आपको एक चीज़ याद आती है, ताजमहल। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। वो किसका प्रतीक है? प्यार का प्रतीक है। तो शाहजहां के नाम पर एक चीज़ याद आती है और जो है प्रेम, ठीक है, शाहजहां प्रेम का प्रतीक है, ताजमहल उन्होंने बनवाया था। तो शाहजहां के नाम से रिलेटेड होता है प्रेम का नाम, प्रेम। तो एक बात और प्रेम की, एक और बात पढ़े होंगे, ढाई अक्षर प्रेम के, ठीक है। तो ढाई अक्षर जो प्रेम के होते हैं, ठीक है, ढाई अक्षर पढ़े सो पंडित होए, तो ढाई अक्षर जो प्रेम के होते हैं ये शाहजहां ने बड़े अच्छे से पढ़े थे, तभी उन्होंने जो है मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया था। कि ढाई अक्षर प्रेम के शाहजहां ने बड़े अच्छे से पढ़े थे, तभी जो है क्या कहते हैं उन्होंने मंदिर बनवा दिया था। आराम से याद रहेगा, ठीक है ना। अगला है सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला बहराइच, बहराइच, बहराइच में जो है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है, ठीक है, ये बहराइच में लगता है, सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। तो याद रखेंगे साला, साला कौन होता है? पत्नी का भाई। तो साला जो है बहरा हो गया, यानी कि एक दिन बहुत कोई गलत काम कर रहा था, मार दिया थप्पड़, तो साला जो है वो बहरा हो गया, तो साला बहरा हो गया, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है ना, इस तरीके से हमें याद रहेगा, ठीक है। अगला है बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला, ठीक है, ये बटेश्वर मेला है एक जो है ये लगता है आगरा में, आगरा में, ठीक है, ये बटेश्वर मेला है आगरा में, बहुत भारी मेला लगता है और ये पशु मेला है, पशु इसमें बेचे जाते हैं, ठीक है, पशु मेला है ये एक, और ये लगता है कार्तिक में लगता है, कार्तिक, कार्तिक, ठीक है, कार्तिक, कार्तिक कब होता है? कार्तिक कब होता है? ये दिवाली की बात, कार्तिक, दिवाली जो होती है कार्तिक में होती है, कुंवार कार्तिक, ठीक है, कुंवार में होता है, वो रामनवमी होती है और उसके बाद दशहरा होता है उसमें, और फिर कार्तिक में दिवाली हो जाती है, ठीक है। तो कार्तिक कब लगती है? कार्तिक जब दिवाली होती था। तो बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है, याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल आसान है, वट, वट से याद रखेंगे, बटेश्वर, वट, वट क्या है? एक पेड़ होता है बरगद का पेड़, ठीक है, बरगद, बरगद के पेड़ को वट वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है, वट वृक्ष। तो बरगद से पेड़ से क्या निकली? लकड़ी, लकड़ी निकली, और लकड़ी में क्या लगा दिया? आग लगा दिया, लकड़ी में आग लगा दिया, वट एक वृक्ष होता है बरगद का, ठीक है, बरगद का वृक्ष होता है, और उच्च वृक्ष में क्या किया? लकड़ी निकलती है और लकड़ी में आग लगा दिया। आगरा से एक और बात हमें याद आती है, कौन सी? कैलाश मेला, कैलाश मेला, ठीक है, मेला, कैलाश मेला को ही गणगौर मेला कहा जाता है, गणगौर मेला। ये सभी मेले एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, केवल एक बार आप याद कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, फिर चाहे जितना परीक्षा दीजिए, सारे पेपर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो गणगौर मेला, कैलाश मेला, ठीक है, गणगौर मेला, कैलाश मेला, कैलाश याद रखेंगे लाश, ठीक है, लाश, डेड बॉडी, लाश,
लाश में, लाश को क्या किया जाता है, लाश को आग दिया जाता है, यानी कि यही आगरा हो गया। तो दो मेला आगरा में लगते हैं, कौन सा, एक बटेश्वर मेला लगता है आगरा में, बटेश्वर का मतलब हो गया वट वृक्ष की लकड़ी, उसमें आग लगा दिया। दूसरी चीज कैलाश, कैलाश से लाश याद रखेंगे, लाश को क्या किया था, आग लगाई जाती है। ठीक है, दो तीन बार इसको नोट्स बना के पढ़ लेंगे और जो हम बता रहे हैं इसको सुन लेंगे, गारंटी लेते हैं कभी नहीं भूलेगा, गारंटी लेते हैं कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कैलाश मेला, ठीक है, बटेश्वर मेला, सही सलार मेला। अगला है दादरी मेला, दादरी मेला ये लगता है बलिया में, दादरी मेला लगता है बलिया में। तो दादरी 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 दादरी, बाद में दादरी दादरी बार बार कहेंगे तो जैसे लगता है दादी कह रहे हैं, दादी, ठीक है, दादी कह रहे हैं। और दादी अपने जमाने में, यानी कि जब वो बिल्कुल क्या थी, बालिका थी, बालिका बालिका थी, तो दादी जो है कभी क्या, बहुत बालिका थी दादी जो थी, दादरी दादरी दादरी, वो क्या थी, कभी बालिका थी। और जब बालिका थी, ठीक है, तो पशुओं को चराया करती थी, क्या करती थी, पशुओं को चराया, पहले नहीं होता था कि जो है क्या करते थे, पशुओं को चराया करते थे, और कोई काम था नहीं। तो ये भी मेला कैसा है, पशु मेला है, ठीक है, पशु मेला है, ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कि दादरी मेला कैसा मेला है, पशुओं का मेला है। तो दादरी 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 बार बार कहेंगे तो दादरी क्या निकलेगा, दादी निकलेगा। दादी क्या थी अपने ज़माने में, बालिका थी, यानी कि बलिया, बालिका से बलि याद रखेंगे। तब तो वो पशुओं को चराया करती थी, ठीक है, पशुओं को चराया करती थी, दादरी मेला हो गया, ठीक है। रामनगरिया मेला, राम नगरिया मेला, राम नगरिया मेला, ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे अयोध्या में लगता है, लेकिन अयोध्या में नहीं लगता, ये फर्रुखाबाद में लगता है, फर्रुखाबाद, ठीक है, ये फर्रुखाबाद में लगता है, ठीक है, ये फर्रुखाबाद में लगता है रामनगरिया मेला, ठीक है, फर्रुखाबाद में। याद कैसे रखेंगे भाई, राम भगवान तो अयोध्या में थे, राम भगवान तो अयोध्या में थे, अयोध्या में थे, लेकिन इनके ज़मीन के ऊपर हो गया कोर्ट केस, तो वो रुष्ट हो गए, रूख गए, रुष्ट हो गए, रुष्ट हो गए, ठीक है, रूख गए, और रूख के कहाँ गए, फैजाबाद चले गए, ठीक है। तो राम नगरिया वहीं पे बस गई, तो राम भगवान के ऊपर केस चल रहा था, केस चलने लगा, तो वो रुष्ट हो गए, रूख गए, और रुष्ट होकर कहाँ चले गए, फरुखाबाद चले गए, रूख गए, रूख के फरुखाबाद चले गए, ठीक है, रूख याद रखिएगा, रूख से फरुखाबाद, तो रूख का फरुखाबाद चले गए, वहीं पर राम की नगरिया बसा लिए जाकर, ठीक है, वहीं पर राम की नगरिया जो है बसा लिए जाकर। अगला है ककोरा मेला, ककोरा मेला, ठीक है, बदायूं, ठीक है, तो याद रखेंगे कोरा, कोरा, कोरा का मतलब ऐसा कागज, कागज ही होता है कोरा कागज, कोरा क्या होता है, कोरा एक कागज होता है जिसमें कुछ ना लिखा हो, कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा रह गया, तो कोरा क्या होता है, कागज होता है कोरा कागज, जिस पे कुछ ना लिखा हो, उसमें क्या करेंगे, दाएं हाथ से लिख दो, बदायूं, दाया यहाँ निकाल लेंगे, दाया। तो ज्यादातर आदमी, ज्यादातर, ठीक है, 80% लोग किससे लिखते हैं, दाएं हाथ से अपने लिखते हैं, दाएं हाथ से, ठीक है। तो कोरा कागज सा दाएं हाथ से लिख दो, उसको कलम से जो है दाएं हाथ से लिख दो, तो इस तरीके से ककोरा मेला याद रहेगा, ठीक है। और मेला है जैसे महाकुंभ मेला, महाकुंभ, महाकुंभ मेला, ठीक है, महाकुंभ लगता है प्रयागराज में, प्रयागराज में कब लगता है, महाकुंभ मेला लगता है 12 वर्ष बाद, वर्ष बाद, ठीक है। एक लगता है कुंभ मेला, ये कहाँ कब लगता है, ये भी प्रयागराज में लगता है, ये कब लगता है, ये भी 12 वर्ष के बाद लगता है, बाद लगता है, ठीक है। एक है माघ मेला, ये प्रत्येक वर्ष लगता है प्रयागराज में, प्रत्येक वर्ष लगता है, प्रत्येक वर्ष लगता है, लेकिन तब नहीं लगता जब ये दोनों मेले लगते हैं, ठीक है, तब लगता है जब ये दोनों मेले नहीं लगते हैं, ये प्रत्येक वर्ष लगेगा, लेकिन जब ये मेले लगेंगे
तब नहीं लगेगा, ठीक है। एक बात यहां समझ लीजिए, क्या महाकुंभ लगा महाकुंभ के 12 वर्ष बाद, ठीक है, महाकुंभ फिर से लगा, फिर 12 साल के बाद महाकुंभ फिर से लगा, फिर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ फिर से लगा, लेकिन यहाँ पर बीच में यहाँ पे लगा कुंभ, ठीक है, छोटा सा जो ये कुंभ मेला है ये यहाँ पे लगेगा, फिर ये 12 साल के बाद यहाँ पे लगेगा कुंभ, फिर ये 12 साल के बाद यहाँ पे लगेगा कुंभ, ठीक है। तो यानी कि ये तो अपना 12 12 साल के बाद लगते हैं, लेकिन ये भी 12 12 साल के बाद लगते हैं, लेकिन ये इससे जो है ये 6 साल के बाद, फिर ये 6 साल के बाद, यानी कि 6 साल के बाद महाकुंभ, फिर 6 साल के बाद छोटा कुंभ, फिर 6 साल के बाद महाकुंभ, फिर 6 साल के बाद छोटा कुंभ, फिर 6 साल के बाद महाकुंभ, फिर 6 साल के बाद महाकुंभ छोटा कुंभ, ऐसे चलता रहता है। जब महाकुंभ छोटा कुंभ नहीं लगता है तो 5 साल अपना ये माघ मेला लगता है। ये किस महीने लगता है? माघ के महीने में लगता है। माघ का महीना कब होता है? माघ का महीना फागुन के पहले आता है। फागुन जब होली होती है तब, यानी कि होली के पहले जब फरवरी चल रही होती है और जाड़ा होता है उस समय इसमें नहाते हैं जाके माघ मेले में, ठीक है। तो ये मेला आपको याद करने हैं, ठीक है, थीके? ये सांस्कृतिक है, मेला वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है, मेला वगैरह आपसे पूछे जाते हैं काफ़ी, तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसको आप दो तीन ढंग से अगर नोट्स बना लेंगे और देख लेंगे, दो तीन बार पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको ऐसे याद हो जाएगा कि कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, इसकी तो गारंटी लेते हैं, ठीक है। फिर आप चाहे पीसीएस का पेपर दीजिए, चाहे यूपीएसआई का पेपर दीजिए आने वाला है, चाहे आप लेखपाल का पेपर दीजिए, चाहे वीडियो का पेपर दीजिए, यूपी का कोई भी पेपर दीजिए, 100% की तैयारी होगी, 100% की तैयारी, ठीक है। तो बने रहिए, ठीक है, धन्यवाद।